फरीदाबाद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विपक्ष का ये कार्यक्रम न होकर रैली के रूप में बदला नजर आया। इसमें काफी संख्या में भीड़ नेताओं को सुनने पहुंची। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुदेव भान समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर प्रहार किए। भूपेंद्र हुड्डा ने बिजली संकट को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोई तकरीबन 11,000 मेगावाट बिजली छोड़ के गए थे, हरियाणा में सरप्लस थी। आज कितनी मांग है? आज मांग मैं अखबार में पढ़ रहा था, शायद 8,000 या 8,500 मेगावाट की मांग है हरियाणा में। वहीं अपने संबोधन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुदेव भान ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने सरकार पर बेरोजगारी, बिजली पूर्ति न कर पाने, सड़कें ठीक न करा पाने जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। बहरहाल विपक्ष प्रदेश सरकार को किसी भी मुद्दे पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ता, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष भुनाने का काम कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने रैली के दौरान भी एक बार फिर इन मुद्दों पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अनिल राठी, फरीदाबाद, खबरें अभी तक।